हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स इट इज लियो सजिटेरियस यहाँ पर आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स इट इज लियो सजिटेरियस जस्टिस शो, जिनके बारे में भी आप राइट नाउ सोच रहे हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या तो आप दोनों के बीच काफ़ी सारा ब्लॉकेजेस है जो कि ये पर्सन हटाना चाहते हैं और आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल पर बात करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन पर, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, बट ये पर्सन आपको भी छोड़ नहीं सकते। आप ही इनकी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, और आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसको ये पर्सन शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगा है, सिक्योरिटी मांगा है, आपने इनको ऐसा कहा है कि जब तुम्हें सिक्योरिटी देनी हो, स्टेबिलिटी देनी हो, कमिटमेंट देनी हो, सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, तभी तुम मेरी लाइफ में एंट्री ले सकते हो। और हो सकता है कि जिस टाइम आपने ऐसा कहा इनको, उस टाइम आपके पर्सन रेडी नहीं थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, और अब ये पर्सन रेडी है बिल्कुल आपको सीरियस कमिटमेंट देने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए। और गाइस ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ मैंने जैसे कि कहा कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ है, सो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच, इस पर्सन ने क्रिएट किया, या तो आपसे झूठ बोला, आपके रहते किसी और को डेट किया, या तो किसी और से मैरिड है ये पर्सन, ऐसा हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, भले आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, भले ये पर्सन किसी और के साथ हैं, बट ये पर्सन आपको चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, इनको पता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इनको पता है। सो ये पर्सन आकर आपको सॉरी कह सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आकर आपको सॉरी कहेंगे, हाँ आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे और इक्वली गिव एंड टेक ये पर्सन चाहेंगे। देखते हैं क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। नो, आपके पास ऑप्शन होगी, आपके पास ऑप्शन होगी, एक राइट पर्सन है। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, या तो जो भी आपके पास ऑप्शन है, एक काफ़ी ज़्यादा सही पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो कि आपके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे मैरिज करेंगे, आपको सीरियस कमिटमेंट देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, एक काफ़ी ज़्यादा सही पर्सन है इनमें से। ठीक है, और एक वो पर्सन है जिनके आपके साथ, जिनसे आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, दो कांटेक्ट में गए हो या हो। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन हो कि जिनमें से एक राइट पर्सन है, जिनमें से एक चीटर है, तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, आपको देखना है दोनों में से कौन सही है आपके लिए। सो गाइस, आपको बहुत ही जल्दी मैसेजेस मिलने वाला है, किसी को ऑफर मिलने वाला है, आपके पास ऑप्शन होगी, आप कंफ्यूज रहने वाले हो, आपको सच्चाई को देखना है, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, और सच्चाई को देखिएगा। ठीक है, और अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा। सो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।